तो म्यूजिक के लिए, म्यूजिक की वजह से ये दोनों आपस में टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है जो आप हर बार नया देखेंगे। ग्वालियर की कहानी है ये, खपकी प्यार की। इस बार आगरा की थी पिछली बार, इस बार ग्वालियर की कहानी है। और तो अ कैरेक्टर गिव्स यू सो मच एंड इट एक्सट्रैक्ट्स एज वेल। सो थपकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और कुछ लिया भी है मुझसे। Hi, this is Jigyasa Singh, and you're watching me on Telechaska. So first of all, yes. Hi Jigyasa, hi Akash, welcome to Telechaska, and congratulations for Thapki Pyar Ki season 2. Hi, thank you so much. Yeah, Akash, go ahead. Yeah, hi Riddhi, thank you. Yeah. तो यू नो सीजन 1 काफी हिट रहा, सीजन 2 आ रहा है, तो आप दोनों की एक्साइटमेंट किस तरह की है और क्या नया देखने मिलने वाला है? वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू, स्पेशली मी, आई एम सो हैप्पी टू बी बैक एज थपकी अगेन, एंड आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड हैप्पी दैट यू नो आई एम गेटिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर विद सो मेनी न्यू पीपल ऑन द सेट। एंड अब तक बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है एक्सपीरियंस मेरा सबके साथ शूट करना। वी हैव सम रियली रियली गुड पीपल ऑन द सेट विद, दे शेयर वेरी वेरी गुड वाइब एंड दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वी गेट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। सो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है सेट पे, इट्स रियली नाइस। ओके आकाश, व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन? सॉरी, What would you like to comment, like excitement किस तरह की है और क्या नया देखने मिलने वाला है? बहुत सारी एक्साइटमेंट है, हैंडल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी आर रियली एंजॉयिंग द शूट एंड वी जस्ट होपिंग एट द सेम टाइम एंड प्रेइंग दैट पीपल लाइक इट इज वेल, लोगों को भी उतना ही अच्छा लगे, लोग भी उतना एंजॉय करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो आई होप रन लाया मेहनत। ओके एंड इसके अलावा यू नो आप दोनों के कैरेक्टर की बात की जाए तो आप दोनों का कैरेक्टर हमें किस तरह का देखने मिलने वाला है? हम दोनों के कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं एंड दोनों की अलग अलग जर्नी है, अलग अलग प्रोफेशन है। मेरे कैरेक्टर का नाम है पूरब सिंघानिया एंड जिज्ञासा इज ऑफ कोर्स थपकी, और द वन थिंग दैट कनेक्ट्स देम इज म्यूजिक। तो म्यूजिक के लिए, म्यूजिक की वजह से ये दोनों आपस में टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है जो आप हर बार नया देखेंगे एंड आई होप पसंद करेंगे। जिज्ञासा, व्हाट वुड यू लाइक यस टू कमेंट? आपने थपकी प्यार की सीजन 1 किया है तो सीजन 2 में आपके कैरेक्टर में क्या अलग है? मेरा कैरेक्टर सीजन 1 से इसीलिए अलग है क्योंकि स्टोरी अलग है इस बार। स्टोरी स्टोरी इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन अ म्यूजिकल बैकग्राउंड दिस टाइम। माय कैरेक्टर नेम इज थपकी त्रिपाठी और वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर बनना चाहती है। वो वीना देवी जी, विच इज प्लेड बाय जया भट्टाचार्य मैम, उनको अपना आइडल मानती है, उनकी पूजा करती है, एंड वेरी वेरी काइंड हार्टेड गर्ल फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली हु लव्स टू हेल्प अदर्स। और वो किस तरह पूरब से टकराएगी, बिकॉज या एज ही सेड कि म्यूजिक कनेक्ट्स देम, तो किस तरह म्यूजिक की वजह से वो दोनों आपस में कलाइड करेंगे। तो यहाँ पे म्यूजिक की बात हो ही रही है तो अगर आप दोनों कुछ गानों की दो लाइन अगर गा सके तो। मैंने तो गाया है, गाना प्रोमो में भी आया है, सो यू नीड टू सी द प्रोमो फॉर दैट। एंड जिज्ञासा इज अ रियली गुड सिंगर, सो एज आकाश, और एज आई सेड मैं बहुत आई एम अ वेरी गुड, आई एम अ प्रोफेशनल ऑडियंस, तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल ऑडियंस, तो मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ, तो प्लीज क्या था अगर कुछ सुनाना चाहें। नहीं, मैंने मैंने बिल्कुल मैंने गाना गाया था जो कि प्रोमो में भी आया, सो यू नीड टू वॉच दैट प्रोमो।
मतलब दो लाइन तो गा देगा, कम ऑन म्यूजिक रिलेटेड यू नो वी आर सीइंग द शो, तो अगर आप दोनों साथ में कुछ गुनगुना चाहे तो जस्ट टू लाइन. But I promise we will fulfill this wish in our show. हाँ, वो तो वहाँ पे हमें देखने मिलेगा ही. So इसके अलावा आप दोनों की you know first impression की बात की जाए एक दूसरे के ऊपर, तो first impression किस तरह का था? बहुत अच्छा था. First impression already मैं impressed, already मैं I would not say impressed, but already मैंने आकाश के लिए इतनी अच्छी बातें सुन ली थी सबके मुंह से, that he's a very kind boy, very very good, very punctual, very professional, very good actor. So already you know I was looking forward to see him, meet him and work with him. And बिल्कुल सही कहा था लोगों ने. He's very fun to be around. And बहुत supportive है, सबको हंसाता है, सबको खुश रखता है set पे. Very soft spoken to everyone. Yeah. आकाश आपका क्या first impression? I'd heard really good things about Jigyasa as well. और सब में बहुत excitement थी कि थपकी आ रही है since the show is called थपकी. पर मुझे लगा था कि थपकी है and you know she's done the same show before. बट वो जब मिले और जब काम किया तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि यू नो मैं थपकी थी या मैं थपकी हूँ. इज वेरी हम्बल एंड वेरी स्वीट एंड वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी फोकस्ड. तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है काम करने के लिए. यू नो यू इवन यू एंजॉय योर वर्क व्हेन यू हैव गुड कलीग्स अराउंड यू, गुड पीपल अराउंड यू. सो या एक्चुअली यू एंजॉय योर वर्क देन. ओके. एंड इसके अलावा जिज्ञासा आपसे जानना चाहेंगे कि जब यू नो इससे पहले आप शक्ति करती थी एंड देन नाउ यू आर डूइंग थपकी, सो आपको ज्यादा वक्त नहीं मिला है सो यू नो टू गेट इनटू द रोल, सो वाज दैट चैलेंजिंग? दैट पार्ट वाज चैलेंजिंग? इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग. आई वांटेड सम टाइम ऑफ टू माय सेल्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट बिकॉज उतना वक्त नहीं था हमारे पास तो या आई जस्ट ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, टू माई टीम दैट मुझे उन्होंने बीच बीच में शूट से काफी टाइम दिया है एंड सब ने सपोर्ट किया है. व्हाई आर लाफिंग आकाश? आई थिंक ही हैज समथिंग टू कमेंट. नो आई कीप टू माय सेल्फ. सेंसर्ड है वो थॉट्स का. आकाश प्लीज agree on this ना, बहुत टाइम दिया है हम. हाँ please. Yeah, they keep giving us time. Okay, so आकाश आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हीर ज्यादा पसंद है या थपकी ज्यादा पसंद है? थपकी. He doesn't stand a chance. Ah. Yeah. थपकी से तो मिला ही नहीं ना आकाश. सॉरी हीर से तो मिला ही नहीं. या ओके. सो इसके अलावा यू नो शो की बात की जाए तो शो कहाँ पे बेस्ड है, क्योंकि वो लोकेशन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सो कैन यू टेल अस सम बैकग्राउंड की कहाँ? या शो या सो द शो रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल कॉल्ड एज थपकी त्रिपाठी. ग्वालियर की कहानी है ये थपकी प्यार की. इस बार आगरा की थी पिछली बार, इस बार ग्वालियर की कहानी है. और मेरे कैरेक्टर के लिए अगर बात करूँ या शो के होल होल के लिए बात करूँ तो ये शो अपने आप में इतना स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि म्यूजिक कनेक्ट्स अस ऑल. सो म्यूजिक एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है हमारे शो में, जो हर चीज में हमें कनेक्ट कर रहा है. पूरब मुझे, वीना देवी जी और थपकी को. सो या ओके. सो आप दोनों का जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ और रियल लाइफ से कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलर है? आई कैन टोटली रिलेट टू दिस कैरेक्टर बिकॉज आई हैव लिव्ड दिस कैरेक्टर फॉर सो लॉन्ग. एंड मैं इतना कहना चाहूंगी दैट काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं थपकी और मुझ में. या ऐसे अपने मुंह से क्या बोलूं, बट या आई लाइक टू बी सिंपल एंड रियल. सो एज थपकी
एंड आई बिलीव दैट आप कोई कैरेक्टर करते हो आप कुछ और कम्प्लीटली नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, यू हैव टू पुट योर ओन सेल्फ, सम पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ. सो अ कैरेक्टर गिव्स यू सो मच एंड इट एक्सट्रैक्ट्स एज वेल. सो थपकी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और कुछ लिया भी है मुझसे, तो बहुत कुछ सिखाया है एंड आई कुड टोटली रिलेट टू दिस कैरेक्टर. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपार्ट है या मैं अलग हूँ अपने रियल लाइफ में, मैं ऐसी ही हूँ. सो लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस और व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जिस तरह आपने आज तक सीजन वन को प्यार दिया है, देते आ रहे हैं, सीजन टू इज कमिंग ओनली फॉर यू गाइज एंड वी एक्सपेक्ट, हम जो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम आज जो भी हैं आपकी वजह से हैं, और वो आप तक डिलीवर हो और आपके दिलों तक छुए ये कहानी, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है. या एंड प्लीज कंपेयर मत कीजिए एक सीजन से दूसरे सीजन को, प्लीज एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली एंड यू विल लव द शो, वी अश्योर यू. और हम बहुत एंजॉय करते हैं तो सीन्स करते हैं एंड वी होपिंग कि आप या ओके.